जी एंकर वे सानू चाते पिया दे नालो दे सानू बिस्कुट मंगा दे चानी पियानी सानू नगद फड़ा दे। ये आखिरी मिसरा जेरे गौर होना चाहिए और आपके लिए काबिले अमल भी है। सदके जावां जैसी वास्कट पहनी हुई है हजार तो घट ते जेब चो निकलना ही नहीं चाहिए। हर बार लेके भी जाते हैं हर बार रोना भी रोते रहते हैं। नहीं सदके जावां रोना किस बात का है मैं याद दहानी के तौर पे जरा घरेलू हालात के मद्देनजर रखते हो। अच्छा घरेलू हालात को जरा साइड पे रहने दे मुल्क के हालात हाजरा के बारे में कुछ बताएं। मुल्क के हालात हाजरा तो हर वक्त हाजरा ही रहते हैं आप जानते ही हैं जू के तू ही है बस सिर्फ सिंध में तब्दीली सुना है आई है वहां से एक सैयद बादशाह चले गए हैं और दूसरे सैयद साहब आ गए हैं। तो बेहतरी की उम्मीद है। उम्मीद तो हजूर हम जैसे माड़े लोग हमेशा अपने साथ रखते ही हैं मगर अभी तक तो हमारा प्यारा कराची जू का तू ही आए हर तरफ कूड़ा बिखरा पड़ा है और ऐसी कूड़ हुकूमतें आई हैं किसी ने कूड़े की तरफ तवज्जो नहीं दी। अब तो जुनैद साहब कराची के जो दाने पर दाने हैं जिन्होंने कई हुकूमतों के लक्षण देखे और कराची में बिखरा हुआ कचरा भी देख लिया है और जिन्हें ये पता है कि ये कचरा इस हुकूमत ने भी नहीं उठाना वो तो आप अपने बच्चों को कचरे के बारे में यही गीत सुना रहे हैं। मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम इसे उठा ले मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम इसे उठा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हो बदले हैं शाजी पर हालात ना बदले कचरा रे कचरा रे कचरा रे कचरा इथे ही रहना कचरा रे ये कचरा इथे ही रहना सुन लो कराची वालो इस बोनू सहना पैना सुन लो कराची वालो इस बोनू सहना पैना कचरा रे कचरा रे कचरा रे कचरा रे कचरा रे कचरा रे कचरा रे। क्या फायदा इसके डांस का ना इसकी गर्दन हिलती है ना इसकी कमर हिलती है देख रहे हैं आप तो चौकिया उठ के आप ना चले। आई डोंट लाइक डांस यू डोंट लाइक डांस ये डांस करके जड़ी रोटी कमांदा उसकी पहली बुरकी तू तोड़ ले। ओ फॉर गॉड सेक मैं तो देसी खाने पसंद ही नहीं करता। हाँ जी इंग्लिश खाना खाता हूं मैं। हाँ जी शकरकंदी भी खाए ना तो इंग्लिश अखबार से रख के खा गए आप लोग आपस में बहुत उलझते हैं। यही उलझते हैं मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। वैसे भी आफ्टर वन वीक मेरे एग्जाम गंगाराम हस्पताल बड़े डॉक्टर ने कहा है कि आपने सारे एग्जाम कराए वो टेस्ट होंगे ने नहीं बेटे टेस्ट आम आदमी दे होंगे ने तेरे एग्जाम होंगे ने एग्जाम टेस्ट ते बेटा सिर्फ तेरे को नाई कराउंदा है नेगी चो थोड़ा जा शोरबा कट के तेरी तली ते रख दे जरा टेस्ट करे नमक ज्यादा नमक ज्यादा है और शोरबा कम है फिर वही लड़ाई हालात हाजरा की बात करें। हालात हाजरा की नहीं जी कराची की बात करें। इतना कचरा इतना कूड़ा इतनी परेशानी लोगों का नाक में दम हुआ हुआ है। कराची भी फिक्र पई बत्रा तो टप गए ने उस्ताद जी साहिवाल कभी टपया नहीं इन्होंने ना चौकी करो ना मुराद देखो तो सही दो जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं। आपका जर्नलिस्ट से क्या ताल्लुक है? शाबाश है जनाब मैं एक बड़े पॉपुलर अखबार इच बड़ी देर तक लिफ्ट ऑपरेटर लगा रहा है वो तो बस बदकिस्मती मेरी करी मैं ही लिफ्ट चे बत्ती चली गई अंदर इना डर लगा मैं मन्नत मनी या अल्लाह अज निकल जावा मैं इतो नौकरी छड़ दिया बस इसे गलों साहिवाल ने टपया क्योंकि इंज सफर किया ही नहीं साल ने इंज नहीं किया उस्ताद जी किस दिन ताड़ा यह सफर बच जाना है बहुत ही कूड़ बच्चे हो वैसे तो जनाब मैं बात कर रहा था कराची की ठीक है मुराद अली शाह साहब आ गए हैं
मगर सच्ची बात यह है कि हमें कैम अली शाह साहब के जाने का भी बड़ा दुख हुआ। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि कैम अली शाह साहब मासूम बंदे, ना किसी ने कुछ कहना ना किसी का कुछ करना और समझ भी नहीं आई हम लोगों के चले क्यों गए हैं। हमारी अपनी सोच ये है कि आजकल बेचारे वेले जरदारी साहब की फोटो सामने रख के गाना गा रहे होंगे। दस बारी इस्तीफा लो जरूर मेरे कोलो, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो। एहो सोच के शिकंजे विच जान फसीए, कोई वार्निंग दिती नाई वजह दसीए। एहो सोच के शिकंजे विच जान फसीए, कोई वार्निंग दिती ए ना वजह दसीए। खाब खोके कर दिते चूर चूर मेरे कोलो, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो। मुक गए प्रोटोकॉल मुक्कियां ने मौजा, इसे दुख नाल गिटियां ते आईया सो जा। मुक गए प्रोटोकॉल मुक्कियां ने मौजा, इसे दुख नाल आईया गिटियां च सो जा। जेड़े कर दे सी जी जी रहन दूर मेरे कोलो, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो। नाज़रीन यहां मैं लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।